जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सीनेट और सीपेट के जो फॉर्म हैं उनको रिलीज कर दिया है। यानी कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश में, या फिर आपको किसी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश में, या फिर अगर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज से ही जो है अगर आपको पढ़ाई करनी है बीएससी नर्सिंग की या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना आपके लिए ज़रूरी है। और अभी जो है हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहां पे जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस, पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए जो आज की वीडियो उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में अगर आपने फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको पैरामेडिकल जो भी कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड आपको क्लासेज भी देखने को मिलती हैं और उनसे रिलेटेड जो है आपको अपडेट भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2024 और इसके लिए जो है वो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा और इसी पेज से जो है आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जो इसका लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है बीएससी नर्सिंग जो है वो आपका यहाँ पर 4 साल का कोर्स है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का कोर्स है, एमएससी नर्सिंग जो है वो आपका 2 साल का कोर्स है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सीपेट के लिए जो है आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का जो है वो हम यहाँ पे ब्रोशर चेक करने वाले हैं कि आप जो है इसकी सारी डिटेल क्या है। ठीक है, तो चलिए जो इसका पीडीएफ है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जो इसका पीडीएफ है उसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं और सभी डिटेल के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पीडीएफ जो है वो हमारे सामने आ चुका है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2024। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं लगभग सभी में जो है वो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर दिया गया है और इसके अलावा जो आपके अदर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनको भी जो है वो अभी स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया कि एकेडमिक सेशन जो है वो आपका क्या है 2024-2025 है फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड पीजीआई आपका लखनऊ हो गया, केजीएमयू हो गया, आपका राम मनोहर लोहिया हो गया और आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफई हो गया। ठीक है, और आपका लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके लिए 25 अप्रैल से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो 25 अप्रैल से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो इसकी लास्ट डेट है वो है 29 मई। ठीक है, तो 29 मई से पहले जो है आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपका 5 जून को चला आएगा और जो इसकी परीक्षा होगी वो जो है आपकी 14 जून को जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो है इसकी परीक्षा जो है वो आपकी कब होगी, 14 जून को होगी और इसके बाद क्या है कि और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो भी आपके सेंटर लिस्ट पढ़ेंगे, जो भी आपके सिटी होंगे उनके बारे में भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे और जो इसका रिजल्ट है वो भी जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, लिंक जो है वो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पे आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया, तो आप इन नंबर पर जो है वो कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है इसमें जो है इसमें दिया गया है कि जो भी आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज जो आपके हैं, जैसे कि आपका पीजीआई हो गया, आपका यहाँ पर केजीएमयू हो गया, आपका राम मनोहर लोहिया हो गया, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज हो गया। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी आपके यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उनमें जो है इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जो है आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर। ठीक है, उसके बाद मुरादाबाद है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, वाराणसी है। तो लगभग सभी जो हैं जो भी आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं वहाँ पे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे आपका सेंटर जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये एग्जामिनेशन होगा ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो आपका बाईलैंग्वल होगा, इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों में जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बात जो है आपको यहाँ पे पता चल गई कि जो आपका एग्जाम होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। पहले जो है ये आपका एग्जाम जो है केवल इंग्लिश में हुआ करता था लेकिन अभी जो एग्जाम है वो आपका हिंदी में भी जो है वो कराया जाएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले पेज पे, और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे फीस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी फीस होने वाली है 3,000 रुपये। बाकी जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से, उनकी फीस जो है वो हो 2,000 रुपये जो है वो यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जो है कम से कम जो है 17 साल जो है वो यहाँ पर एज होनी चाहिए, ठीक है। 17 साल जो है वो एज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपको कम से कम आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, और कम से कम जो है 45% नंबर होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, और लिखा गया है कि इंग्लिश इज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। तो 12th में जो है वो आपका इंग्लिश जो है वो ज़रूर से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, और यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह के बारे में जो है वो यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले पेज में, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, और जो आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो भी जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। तो आपको नया जो है वो आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपने अभी तक इसको नहीं बनवाया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके लगेंगे, और इसमें कुछ है नहीं, जैसे सारे एग्ज़ाम का फॉर्म जैसे होता है, आपको यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हो गया, साइन वगैरह हो गया, एड्रेस आपका हो गया, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको भरनी होती है। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, तो जो आपका फ़ोटो होगा उस पर आपका नाम भी होगा, और उस पर आपका और उस पर डेट भी होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर नीट वगैरह का फ़ोटो जो होता है, ठीक है, नीट के फॉर्म में जैसे फ़ोटो होता है वैसे जो है ये फ़ोटो आपका होना चाहिए, और यहाँ पर जो है आपको सिग्नेचर भी इसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। तो सभी चीज़ें जो हैं वो इस पीडीएफ में दी गई हैं, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन होगा 14 जून को होगा, ठीक है, 200 ये आपका जो है, ठीक है, 11 बजे से लेके 2:20 तक जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। ये जो आपका एग्ज़ाम है करीब जो है, ठीक है, 200 मिनट का होने वाला है, लगभग आपका 3 घंटे 20 मिनट का होने वाला है, और ये एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पर बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी जो है आपको दोनों में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आपका इसके अंदर टोटल आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो आपका एक नंबर का रहेगा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात करें तो नर्सिंग का क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है, 20% फिजिक्स के, 20% केमिस्ट्री के, 20% बायोलॉजी के, 20% इंग्लिश के, 20%, ठीक है। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो लगभग 40-40 क्वेश्चन जो हैं वो सभी सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दिया गया है, तो आपका जनरल के लिए, ठीक है, 50% है जनरल, और आपका पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 45% है, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है वो 40% जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी डिटेल जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, और बाकी की जो भी आपकी डिटेल होंगी वो आपको एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेज भी देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।